Approximately 10%, particularly in adults. These may include pitting, splitting of the free nail edges, rippling, redness of the proximal nail fold. Diagnosis, although the clinical presentation will suggest the diagnosis, a skin biopsy to be confirmed. पूरे नागपुर शहर में और कोई कैफे नहीं मिला पाकी दीदी से मिलने के लिए? क्यों, तुमने कैफे खरीद लिया है? मेरी मर्जी, मैं अपनी फ्रेंड को किसी भी कैफे में मिलने जाऊं? फ्रेंड? सच? पाकी दीदी आपकी सिर्फ दोस्त है और कुछ नहीं? तुम गुस्सा थी क्योंकि तुमने हम दोनों को वहां साथ में देख लिया था और सोचा होगा कि मैं सभी घर वालों से यह बात छुपाऊंगा। उल्टा मैंने तो सबको सब कुछ बता दिया, यहां तक कि सम्राट को भी सच बता दिया। किसी से कुछ भी नहीं छुपाया, फिर भी तुम मुझसे ऐसा बकवास सवाल कर रही हो? ओह सॉरी, मेरी गलती है ना, मैंने आपसे ये सवाल पूछ लिया। हाँ तो क्यों पूछा? क्योंकि आपने जो सबको कहा और जो मैंने देखा, दोनों बातें अलग है, उनमें कोई मेल नहीं है। दो लोगों ने अगर हाथ पकड़े उसका मतलब ये नहीं कि उन दोनों के बीच में दोस्ती से ज्यादा और कुछ है। अपनी ये फिल्मी सोच पर थोड़ा सा काबू रखो। अच्छा, और अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या सोचते? ऐसी कौन सी इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़े जो उसी में घुसे जा रहे हैं? आप मुझे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। मेरी बुक दो। नहीं, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप मेरी जगह होते तो क्या करते? पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप मेरी जगह होते तो क्या आप फिल्मी तरीके से नहीं सोचते, ठीक वैसे ही जैसे आपने अजिंक्य और मेरे बारे में सोचा था? तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने मुझे वहां देख लिया उसके साथ, अपने दिमाग में अपने मन में एक कहानी बना ली, मतलब बना लिया अपना, मुझे जज कर लिया, मेरे इरादों को जज कर लिया, मेरे इंटेंशंस को जज कर लिया। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है? चलो फर्ज कर लो कि वहां पर बाकी के बदले कोई और लड़की होती, फिर भी तुम्हें क्यों फर्क पड़ना चाहिए? क्योंकि ना तो तुम इस शादी को मानती हो, ना तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स है, तो फिर तुम्हें फर्क क्यों पड़ना चाहिए? विराट सर कह तो ठीक रहे हैं, मुझे फर्क क्यों पड़ रहा है? जब तेरी शादी सिर्फ एक डील है तो फिर विराट चाहे पत्रलेखा से मिले या फिर किसी भी और औरत से, व्हाट्स द बिग डील? तू इतनी सी बात का इतना बड़ा पतंगड़ क्यों बना रही है? हाँ आप ना ठीक कह रहे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और अब मैं आपके सवाल का जवाब भी दे देती हूँ, नहीं मेरे दिल में आपके लिए कुछ नहीं है। अब किसी के साथ भी बैठिए नहीं बैठिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि आप और पाखी दीदी दोनों मिलकर सम्राट दादा को धोखा दे रहे हैं। अब इस सवाल का जवाब दीजिए। मैं अपने भाई के आगे सफाई दे चुका हूँ, आगे क्या करना है वो उसका फैसला ले लेगा और बता भी देगा मुझे। तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी वो क्या फैसला लेता है उससे तुम्हारी जिंदगी पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। असर पड़ता है, बिल्कुल असर पड़ता है। आपको पता है
आज आपकी वजह से मेरे फ्रेंड्स के सामने मेरी कितनी इंसल्ट हुई है। मैंने सबको कहा था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे घर जाके आपका ख्याल रखना है, इसलिए मैं कैफे नहीं जा सकती उनके साथ। अब वो सब सोच रहे होंगे कि मैं बस बहाना बना रही थी, झूठ बोल रही थी। मैं मानता हूं अपने दोस्तों के सामने अपने पति को किसी और के साथ ऐसे हाथ पकड़ते हुए देखकर ये सब तुम्हारे लिए बहुत एम्बैरसिंग रहा होगा। उसके लिए मैं दिल से माफी मांगता हूं, आई एम रियली सॉरी। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम ये सब देखकर इतना गुस्से में क्यों थी, इतनी परेशान क्यों थी, तुम्हारी आंखों में मुझे दर्द क्यों नजर आ रहा था। ये कैसे सवाल है कि आपको और बाकी दीदी को ऐसे देख के मेरा रिएक्शन ऐसा क्यों था? नहीं नहीं, आप बताइए आप क्या चाहते हैं, कैसे रिएक्शन हो? अब किस ऐसा कुछ नहीं कि मुझे कोई फर्क वर्क पड़ता हो, मुझे कोई फर्क वर्क नहीं पड़ता, कुछ जो करना है कीजिए। असली सवाल यह है कि आपने और पाखी दीदी ने इस मामले में क्या फैसला लिया है? किस मामले में? आप और पाखी दीदी नए नए कैफे में हाथ पकड़ के अपनी जिंदगी तो नहीं बिता सकते ना? आप हंस रहे हैं, मुझे पता है आप पाखी दीदी को इसलिए नहीं अपना रहे ना क्योंकि वो सम्राट दादा की बीवी है, आपके भाई की बीवी है। आप यही सोच रहे होंगे ना कि जब सम्राट दादा पाखी दीदी को डाइवोर्स दे देंगे और आप उनको अपनाएंगे तो आपके परिवार का नाम खराब होगा। यही वजह है ना कि आपने पाखी दीदी को मूव ऑन होने की सलाह दी। मैंने तुम्हें कैफे में ही बता दिया था, ये जो भी हालात है मेरे, उसे देखने का नजरिया पूरी तरह से तुम्हारा। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ विराट सर, आपने ना बड़ी समझदारी से सम्राट दादा और बाकी घर वालों के सामने आपकी और पाखी दीदी की मीटिंग इस तरीके से पेश करी कि आपसे कोई सवाल ही नहीं पूछ पाया। आपने ये तो बताया ही नहीं ना कि आप और पाखी दीदी क्यों मिले थे, आप लोगों की बात क्या हुई थी। अब मैं सबको जाकर एक एक बात तो नहीं बताने वाला ना कि एग्जैक्टली क्या बात हुई थी, और जो कुछ भी बताया ना वो सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि तुम मुझे और पाखी को वहां देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में थी। और तुम्हारा क्या भरोसा, इतनी छोटी बात को पकड़कर तुम घर छोड़ने की बात करोगी फिर से, और इतनी छोटी सी बात का बतंगड़ बन जाएगा। और पहले ही घर में इतनी टेंशन चल रही है, मैं इस ड्रामे का तड़का नहीं लगाना चाहता था। झूठ, आप झूठ बोल रहे हैं क्योंकि आपने सबको उतना ही बताया जितनी बात आप बताना चाहते थे, और आधी बात ना पूरे झूठ की तरह होती है। आपने ये तो किसी को बताया ही नहीं कि पाखी दीदी ने आपको क्यों बुलाया था, उनको क्या बात डिस्कस करनी थी, और ऐसी कौन सी बात थी जिस पे आपकी राय चाहिए थी उन्हें। तुम्हारी सुई एक जगह अटक क्यों जाती है? पूरे घर वालों के सामने, पूरे परिवार के सामने मैंने समझाया कि मैंने पाखी को क्या सलाह दी थी। और एक इंटरेस्टिंग बात याद दिलाऊं, तुम भी वहां मौजूद थी। कभी लगता है तुम्हारे सर पर ना ठंडा पानी डाल दूं ताकि तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा शांत रहे और तुम्हें ना चीजें साफ साफ नजर आए और सुनाई भी दे। अरे अरे क्या कर रहे? और नहीं तो क्या, कब से तुम्हें यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये मेरी जिंदगी है, मुझे जिसके साथ जाना है, जहां जाना है, जहां बैठना है मैं बैठूंगा, मैं करूंगा, ये मेरी मर्जी है, उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसके बाद मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देने वाला। ओके? नहीं, आपको इस सवाल का जवाब देना होगा कि आपने क्या फैसला किया है। मैंने वही फैसला किया है, वही तय किया है जो तुम चाहती थी कि मैं करूं। मैं कहां से आ गई आपके फैसले के बीच में? मेरे हर फैसले में बस तुम ही तो होती हो। सही बोलिए विराट सर, आपने क्या फैसला किया है? मैंने जो भी फैसला लिया है उससे हम सबकी जिंदगी में आया हुआ तूफान शांत हो जाएगा, खास तौर पर हम चारों की जिंदगी में थोड़ी शांति और सुकून आएगा।